अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ कोयटा की एक बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट जिसका नाम है दुबई मार्केट, और यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी। इस वक्त तो मैं शू मार्केट की तरफ खड़ी हूँ इसी मॉल के अंदर, और वहाँ पे बहुत सारी शूज़ की वैरायटीज़ थी, बच्चों से लेके बड़ों के सैंडल, शूज़ और स्लीपर्स, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज में थे। और यहाँ पर और भी बहुत सारी घर में यूज़ होने वाले हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और क्रॉकरी और हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको वो मज़ीद भी मार्केट दिखाती हूँ। फ़िलहाल हम शू मार्केट को सर्वे करते हैं। ये देखें, ये सामने कितने खूबसूरत शूज़ हैं। मुझे जो सैंडल्स और शूज़ पसंद आ रहे थे, या तो वो मेरे साइज़ से बहुत बड़े थे और या तो वो मेरे साइज़ से छोटे थे। तो साइज़ का आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारी मिकदार में शूज़ और सैंडल्स होते हैं, तो आपको अपने साइज़ के ढूंढने होते हैं। और लकीली आपको अगर अपना साइज़ मिल जाता है तो बेस्ट हो जाता है। मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे शूज़, और लेकिन ये थोड़े से मुझे फ़िट थे और चलने में मुझे थोड़े से अनकंफर्टेबल थे, तो इसलिए वो मैंने बाय नहीं किया। अब हम मॉल को थोड़ा मज़ीद सर्वे करने जा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा मॉल है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आपको शॉप्स और हर तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में आप देख रहे हैं वहाँ पर आपको स्टॉल्स भी नज़र आएंगे, जिसमें आपको रग्स, कारपेट्स और बच्चों की जो चीज़ें हैं और कर्टन्स हैं, वो भी आपको मॉल के बाहर ये आपको सब ईज़िली मिल जाती हैं। और प्राइस भी इसके इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब आप इजीली वहाँ पर बाय कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और मज़ीद मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे बच्चों के कपड़े, वेस्टर्न्स और काफ़ी सारी शॉप्स आपको मॉल के बाहर ही आपको नज़र आ जाएंगी। ये जो मार्केट मैं अभी आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, ये जितनी भी शॉप्स मैंने आपको दिखाई हैं, ये सब मॉल के बाहर की मार्केट्स हैं। मॉल के अंदर अभी हम नहीं गए हैं। मैं अब मॉल के अंदर जाती हूँ, फिर आपको वहाँ की भी शॉप्स दिखाती हूँ। मॉल के अंदर एंटर हो चुकी हूँ, और ये सामने मैंने इलेक्ट्रॉनिक शॉप देखी है, और इस तरह की आपको वहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स शॉप्स और घर की डेकोरेशंस की शॉप्स और हर तरह की चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी काफ़ी अच्छी प्राइजेज़ में और काफ़ी अच्छी मिकदार में। ये देखें वहाँ पर मुझे थोड़ी थोड़ी सी ज्वेलरी शॉप्स बीच बीच में, लाइक आपको ज्वेलरी शॉप भी मिलेगी, आपको ये हेयर के सारी एक्सेसरीज़ मिलेंगी, लाइक आपको हर तरह का आइटम वहाँ पे मिल जाएगा, जो भी हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको अंदाज़ा होता रहे कि कितनी बड़ी मार्केट है ये। और अभी हम पहुँच चुके हैं एक परफ्यूम शॉप में, और यहाँ पे आपको ये जैसे सामने नज़र आ रहे हैं, हर तरह के ब्रांड्स के परफ्यूम्स अवेलेबल थे। और उन्होंने मुझे कहा है कि दीज ऑल आर ओरिजिनल, ये वर्साचे, गुची, फ्लोरा, ये थोड़े एक्सपेंसिव थे क्योंकि दीज ऑल आर ओरिजिनल। तो अब मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंटर हो चुकी हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको हर तरह का आइटम मिलेगा, हाउस होल्ड आइटम्स, आपको ये हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ आपको घर घर के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पर दुबई मॉल कोयटा में आ सकते हैं, और आपको बाहर का हर तरह का आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जापानी चूल्हे, उन्होंने बताया है कि ये सारे
जो आप दिख रहे हैं आप सामने, जो पानी चूल्हे हैं, और इसके अलावा भी आपको ये जितने भी आइटम्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक, ये सब बाहर की हैं। ये हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, कर्लर्स काफ़ी सारी मिकदार में आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन इस शॉप पे, इस मॉल में, दुबई मॉल में आपको मिल जाएंगी। आप देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर इस मॉल में मौजूद ना हो। ये ब्रश है जो कि आपने ऑनलाइन देखा होगा, जो हेयर स्ट्रेटनर ब्रश होता है, तो ये वो भी वहाँ पर मौजूद था। ये कितने का दे रहे हैं? ये ब्रश कितने का दे रहे हैं? अब मैं ज्वेलरी और कॉस्मेटिक शॉप में आ चुकी हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत ज्वेलरीज यहाँ पे मौजूद थी। इयररिंग और बच्चों की बैंगल्स, हेयर क्लिप्स, हर तरह की चीज़ इस शॉप पे अवेलेबल थी। और यहाँ पे कॉस्मेटिक भी था, और मैंने यहाँ से कुछ कॉस्मेटिक बाय भी किया है। आप ये देखें, हर तरह का फाउंडेशन, हर ब्रांड का फाउंडेशन यहाँ पे मौजूद है। ये जो मैं आपको पैलेट्स दिखा रही हूँ, आप देखें इसमें कितने ज़्यादा आई शेड्स हैं, और ये जस्ट 700 में वो दे रहे थे, और इसके अलावा भी कह रहे थे कि ये जो छोटी वाली है ये 500 में दे रहे थे और बड़ी वाली 700। तो आई थिंक ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में दे रहे थे। आप ऑनलाइन मंगवाने जाएँ तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है, तो अगर आपका यहाँ कोई क्वेटा में रिलेटिव हो या आप खुद रहते हो तो दुबई मॉल में विज़िट करें, और आपको वहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इस शॉप पर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी, और मैंने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बाई की हैं, और मैंने अभी यूज़ भी की हैं, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे उनका मिला है। तो डू विज़िट दिस प्लेस। इस शॉप में सारा डेकोरेशन का सामान मौजूद था, जो कि लैंप्स होती हैं, और भी बहुत सारी जो डेकोरेशन, जो कि आपने अपने घर में डेकोरेशन आइटम आपने यूज़ करने होते हैं, वो हर तरह की चीज़ें, ये विंड चैम्प और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस शॉप पे मौजूद थी। ये जो मॉल है तकरीबन ये 3 फ्लोर पर है, तो हम जिस वक्त गए थे उस वक्त थोड़ा लेट हो चुका था, काफ़ी सारी शॉप्स बंद भी हो चुकी थी। तो अगर आप आएँ तो आप थोड़ा जल्दी आएँ, ताकि आप और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकें और अपने लिए बाय कर सकें। ये बच्चों की शॉप थी, और बच्चों के कपड़े और बैग्स, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद थी गाइज। तो मुझे इस मॉल में बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारी न्यू चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।